इक्वल टू वैल्यू नहीं होता उसमें, है ना। तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अगर मान लो साइन की जगह आपका कॉस होता तो कौन सा होता? तब ए होता है कि नहीं? अगर आपको मान लीजिए टेन होता तब आपको कौन सा होता? डी होता। अरे समझ में, अगर आपके पास कॉट होता तो सी हो जाता। अरे समझ में ना, ये चारों ही क्वेश्चन होते, चार से अधिक पूछता ही नहीं, या तो साइन या तो टेन या तो कॉट या तो फिर कॉस। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया सबका? चलो अगली क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट। चलो लॉक हुआ। हाँ, ये क्वेश्चन तो हाल फिलहाल बताए ना, वही शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, याद आ रहा है? फंसना नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे,